वक्त अभी भी है, वक्त यूं ही बर्बाद मत कर, खींच ले कमान पर तीर, खींच ले कमान पर तीर और तू वार कर। ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा, जीतना है अगर तो कोशिश हजार बार कर। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम बढ़िया बेटा। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथ, चित्रा प्रकाशन बुक से, प्रश्नावली नंबर 8.2, चतुर्भुज का प्रश्नावली नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक कर चुके हैं। ठीक है बेटा, 4 से करना है। क्वेश्चन बहुत लॉन्ग लॉन्ग थे, इसलिए थोड़ा तेजी क्वेश्चन किए थे हम लोग, उसी पे क्या हुआ थोड़ा सा हंसी आ गई। और लाइफ है, जिसकी मस्ती जिंदा उसी की हस्ती जिंदा है, तो हंसना चाहिए। तो आ जाओ बेटा, हम चलते हैं लगाने आज क्वेश्चन नंबर 4 से। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दबा के शेयर करिए अपने दोस्तों को, जिससे वो लोग भी पढ़ सके। और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कराइए, और लाइक करना तो बनता है यार। आ जाओ देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा। आ जाओ चौथे क्वेश्चन पे, क्या कह रहा बेटा? चौथा क्वेश्चन कह रहा, एबीसीडी एक समलंब है। ठीक है भैया, वो कह रहे हैं तो हम मान ले रहे हैं। एबीसीडी क्या है? एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी, साथ ही बी डी एक बीकर्ण, ठीक है, और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। ये भी ठीक है, ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है। ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है, जो बी सी को यह पर प्रच्छेद करती है। ठीक है बेटा, दर्शाई कि यह भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। कोई बात नहीं, एक समलंब दिया बाबू ए बी सी डी, यह एक समलंब है मेरे लाल, मेरे जिगर के छल्ले। आ जाओ देखो यह क्या है बाबू, एक समलंब है। यह एक क्या है? समलंब है। इसका नाम ए बी सी और डी बोला है, और बी डी बिकर्ण बोला है। ठीक है बाबू, और ए डी का एक मध्य बिंदु ई दिया है, और इसी के समांतर एक रेखा यहां पे गया है बेटा। यह क्या है? या फिर यही है, मान लिया यह बिंदु, मान लिया यह बिंदु ओ है। ठीक है बाबू, दिया क्या है? ए बी समांतर दिया है। क्या दिया मेरे लाल? ए बी समांतर डी सी, ठीक है। और कहा है ई ए डी का मध्य बिंदु, मतलब ए ई बराबर ई डी होगा बेटा, ए ई बराबर होगा ई डी, ठीक है। और क्या कहा? ए बी के समांतर यह रेखा खींची गई है। यही बोला ना कि ए बी के समांतर खींची गई, बी सी को यह पर काट रही है, तो मतलब बेटा ए बी समांतर ई एफ भी है। तो क्या होगा? ए बी समांतर ई एफ, यह भी दिया है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है यह भी लिख लो। क्या करना है सिद्ध मेरे जिगर के छल्लो? आ जाओ गर्दा उड़ाओ। कह रहा है बेटा सिद्ध करना कि यह बिंदु जहां पे मिल रहा है, इसको दो बराबर भागों में बांट रहा, मतलब मध्य बिंदु है। तो क्या सिद्ध करना बेटा? सी एफ बराबर एफ बी। क्या सिद्ध करना बेटा? सी एफ बराबर एफ बी। यह क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है बेटा, आप लोगों को पेपर फिगर और क्या पूछ रहा है ये सब आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो बेटा आ जाओ, हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी डी में अगर हम त्रिभुज ए बी डी देखें बाबू, तो इसमें ए बी समांतर है किसके? बोला है बेटा ई एफ के, है ए बी समांतर ई एफ बोला है बाबू। और ए बी दिया बेटा क्या? ए बी समांतर दिया है ई एफ। और जब ए बी समांतर ई एफ है बाबू, देखना हम इसको लिख सकते ए बी समांतर ई ओ, लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं हम क्या? ए बी समांतर ई ओ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब ए बी समांतर ई ओ है, तो इसको हम मान ले रहे हैं बाबू क्या? समीकरण नंबर 1। ठीक है, और हाँ इसको मान लो समीकरण नंबर 1, नहीं तो ए बी समांतर सी डी को मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है बाबू, जो दिया है। और यहाँ पे ए बी समांतर ई एफ है, तो इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, ए बी समांतर बेटा क्या हो गया? ई ओ हो गया। अब देखोगे ध्यान से, जब देखोगे क्या यहाँ पे ए डी को ई मध्य बिंदु पे काट रहा है, मतलब ए डी का मध्य बिंदु ई है, तो क्या है बाबू?
ए बी समांतर ई ओ और ए ई, ए ई बराबर है किसके, ई डी के, ठीक है। तो मध्य बिंदु के, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे ई ओ के समांतर ए बी है तो क्या होगा, जो ओडी होगा ओबी के बराबर होगा, ठीक है। ओडी बराबर हो जाएगा बेटा ओबी के, ठीक है। अब समीकरण एक और दो से अगर हम देखें, क्या देखें, समीकरण एक व दो से हम देखें बेटा, तो ए बी समांतर डी सी और ए बी समांतर ई एफ, तो क्या होगा, डी सी समांतर ई एफ हो जाएगा, डी सी समांतर ई एफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ई एफ लिखो या ओ एफ लिखें, लिख सकते हैं बेटा, तो हम लिख सकते हैं डी सी समांतर ओ एफ। अब बाबू हम क्या देख रहे हैं, बिंदु ओ मध्य बिंदु है, ओडी बराबर है ओ बी, चूंकि ओडी बराबर ओ बी तो हम क्या लिख सकते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय के, प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से क्या होगा मेरे लाल, हो जाएगा यहां पे क्या, यह भी मध्य बिंदु होगा, क्या होगा, सी एफ बराबर एफ बी, ठीक है, क्या होगा, सी एफ बराबर एफ बी, कोई दिक्कत, यहां से कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो यहां पे ये कर लिए बाबू ओ एफ, तो यहां पे मन करेगा लिख देना त्रिभुज, ऐसे लिख देना बेटा यहां पे त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में डी सी समांतर ओ एफ आया है बाबू। अब देखो डी सी समांतर ओ एफ जब आया है और ओ डी बराबर है ओ बी के, ओ डी बराबर ओ बी, तो क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा बेटा, सी एफ बराबर हो जाएगा एफ बी, अतः बिंदु कौन सा बेटा, एफ बी सी का, बी सी का मध्य बिंदु होगा, बस इतना लिख दोगे यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है मेरे लाल। तो आप लोग इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर देखेंगे पांच, और पांचवां क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है उसको भी लगाएंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे और उसको लगाएंगे, ठीक है। हम इसको मिटा रहे हैं, आ जाओ मेरे लाल क्वेश्चन नंबर पांच पे, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई और एफ क्रम से ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं, ठीक है बाबू। एक समांतर चतुर्भुज दिया है ऐसे कुछ, एक समांतर चतुर्भुज दिया है कुछ इस प्रकार है, और इसका नाम दिया है ए बी सी और क्या दिया है डी, और इसका मध्य बिंदु क्या है बाबू, इसका मध्य बिंदु ई है और इसका मध्य बिंदु क्या है एफ है, एफ को ए से मिला दिया है, एफ को ए से ई को मिला दिया है सी से, और बी कर्ण बी डी को भी मिला दिया है, ठीक है। और जहां पे प्रच्छेद कर रहा है पे पी और क्यू है, पी यहाँ पे और यहाँ पे क्या है क्यू है, ठीक है बाबू। दर्शाइए रेखाखंड ए एफ ई सी बी कर्ण बी डी को समत्रिभाजित करता है, ठीक है, ए एफ और ई सी बेटा, ए एफ और ई सी बिकट बी डी को समत्रिभाजित करता है, मतलब देखना बेटा दिया क्या है, जो दिया है लिख लो, दिया है ए बी जो है यह समांतर चतुर्भुज है बेटा, ए बी बराबर हो जाएगा डी सी के या सी डी के, यह इसके बराबर होगा और यह आपस में भी बराबर होगा, ठीक है बेटा। ए बी और क्या होगा, ए डी बराबर होगा, समांतर चतुर्भुज है किसके,
बीसी के हो जाएगा बाबू। सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है लिख लेना। सिद्ध करना कह रहा समत्रिभाजित विकर्ण को, तो मतलब डीपी बराबर पीक्यू बराबर क्यूबी, यह आना चाहिए। डीपी बराबर पीक्यू बराबर क्यूबी, यह सिद्ध करना हम लोगों को। आ जाओ बेटा यहाँ पे आगे, अब देखते हैं यहाँ पे क्या देखेंगे। दिया बेटा ए बी बराबर सी डी लिखें या ए बी बराबर डी सी लिखें, ठीक है। ए बी बराबर डी सी, अब दोनों पक्षों में अगर हम दो से भाग दे दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दे सकते हैं आराम से दे सकते हैं बेटा। क्या होगा, इधर हम दो से भाग दें तो इधर भी दो से भाग देंगे। अब दो से अगर भाग दें तो क्या होगा, ए बी बटे दो, तो ए बी बटे दो मतलब हो जाएगा बेटा ई ए ई, इसका आधा देखो ए बी का आधा ए ई हो जाएगा। क्या होगा, ए ई ए ई बराबर होगा बेटा किसके, देखना डी सी का आधा बेटा एफ सी हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए ई बराबर एफ सी, आराम से लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ए ई बराबर एफ सी और समांतर चतुर्भुज है बेटा, तो ए ई समांतर हो जाएगा एफ सी के। तो बाबू जब ए ई समांतर एफ सी हो गया, दो भुजा आपस में बराबर है और समांतर है किसी चतुर्भुज के, तो दो भुजा ऑटोमेटिक बराबर और समांतर हो जाएंगे, ठीक है बाबू। तो क्या होगा, यहां से ए एफ और ई सी आपस में बराबर होंगे और क्या होंगे बेटा, समांतर होंगे। अतः क्या होगा, ए एफ बराबर होगा किसके, ई सी के, और ए एफ समांतर होगा किसके, ई सी के। अतः क्या होगा बेटा, इसलिए चतुर्भुज कौन सा, ए ई एफ सी क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ए ई सी एफ एक क्या होगा बेटा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इतना समझ में आया, हमें सिद्ध करना डीपी बराबर पीक्यू बराबर क्यूबी, यह चीज ध्यान में रख के चलना बेटा, बिना उसके काम नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से बेटा हम लोग कर लिए, एफ ए बराबर ई सी निकल गया है, एफ ए बराबर ई सी हो गया, ठीक है। त्रिभुज ले ले बेटा डी क्यू सी में, डी क्यू सी में देखना, त्रिभुज डी क्यू सी में अगर हम देखें बाबू, ए एफ समांतर है ई सी के, ए एफ कहां पे है बाबू, ए एफ समांतर है ई सी के, तो क्या पी एफ समांतर नहीं होगा क्यू सी के, पी एफ भी समांतर होगा बेटा किसके, क्यू सी के। तो पी एफ समांतर हो जाएगा क्यू सी के, देखो पी एफ होगा समांतर क्यू सी के। अब बाबू देखना, चूंकि एफ बिंदु डी सी का मध्य बिंदु है, तो हम क्या कह सकते हैं बाबू, कि मध्य बिंदु के प्रमेय के विलोम से बिंदु पी क्या करेगा, इसको समद्विभाजित करेगा, करेगा बेटा। तो हम लिख सकते हैं बेटा, क्या लिखेंगे, या तो लिख लो बेटा डी एफ बराबर एफ सी, अतः मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या होगा बेटा, डी पी बराबर पी क्यू हो जाएगा, डी पी बराबर पी क्यू, इसको मान लिया समीकरण नंबर एक। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बाबू हम क्या ले लें, और कोई त्रिभुज ले लें, पी ए बी ले लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज पी ए बी में। अब देखना बाबू, जब ए एफ समांतर ई सी आया है, ए एफ समांतर ई सी देखो यहां पे बेटा, तो ए पी समांतर ई क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ए पी समांतर ई क्यू हो जाएगा बाबू। अब देखो बिंदु ई इसका मध्य बिंदु है, मतलब ए ई बराबर ई बी है बाबू, ए ई बराबर ई बी, तो क्या होगा, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या होगा बेटा, यह क्यू जो होगा इसका मध्य बिंदु होगा, ठीक है। क्या होगा, पी क्यू बराबर क्यू बी हो जाएगा। तो क्या होगा मेरे लाल, पी क्यू बराबर क्यू बी, मेरे जिगर के छल्लो। इतना आया समझ में, इसको मान लिया समीकरण नंबर दो। डी पी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर क्यू बी, मतलब पी क्यू दोनों के बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, समीकरण एक व दो से
क्या लिखेंगे कि dp बराबर pq बराबर qb, ठीक है, लिख सकते हैं। अतः AF और EC बिकट BD को समत्रिभाजित करेगा। अतः रेखा AF व EC बिकट BD को समत्रिभाजित करेगा। इसको नोट कर लो, ठीक है बेटा। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, और हम लोग उसको सिद्ध कर चुके, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखेंगे छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे, ठीक है। तो हम इसको मिटा रहे हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी लगाते हैं। क्या कह रहा छठवां क्वेश्चन बाबू, कि दर्शाइए किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। बेटा किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड परस्पर क्या करते हैं बेटा, समद्विभाजित करते हैं सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु, ठीक है बेटा। मान लिया यह एक चतुर्भुज है, यह क्या है बाबू, चतुर्भुज है ए बी सी डी। अब इसके मध्य बिंदु मान लिया यहां पी है, यहां पे क्यू है, यहां पे आर है, यहां पे एस है, ठीक है। अब बाबू इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यही बोला है। तो इसको हम पहले ऐसे मिला लेते हैं, इसको सॉरी एक मिनट, इसको ऐसे। अब कहा बेटा इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, तो मध्य बिंदु को मिलाएगा रेखाखंड बेटा, ये देखना, और यह बोला परस्पर समद्विभाजित, यहां पे बिंदु O, हमें क्या सिद्ध करना बेटा, ओ आर बराबर ओ पी, ओ एस बराबर ओ क्यू, यह सिद्ध करना है। अब बोला बाबू यह मध्य बिंदु है, ध्यान देना क्या बोला है कि यह एक क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है बाबू, तो एक काम किया जाए, हम लोग पहले बी का डाल लेते हैं, इसको हम मिला देते हैं, इसको एसी और डीबी को। अब हमें सिद्ध क्या करना है बेटा, ध्यान देना, सिद्ध करना है ओ आर बराबर ओ पी, ओ एस बराबर ओ क्यू। दिया क्या है बेटा, जो दिया है वह लिख लेना, क्या दिया है ध्यान देना, मध्य बिंदु बोला है बेटा, तो मध्य बिंदु है एपी बराबर पीबी हो जाएगा, एपी बराबर पी बी होगा, बी क्यू बराबर क्यू सी होगा, वह भी मध्य बिंदु है, बी क्यू बराबर क्यू सी, यह भी मध्य बिंदु है, सी आर बराबर आर डी, सी आर बराबर आर डी, यह भी मध्य बिंदु, डी एस बराबर एस ए, डी एस बराबर एस ए, यही बेटा। और कुछ सिद्ध क्या करना है वह भी लिख लो, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सिद्ध क्या करना है बेटा कि ओ पी, यही है ओ पी बराबर ओ आर, ओ पी बराबर ओ आर, और क्या सिद्ध करना बाबू, ओ एस बराबर ओ क्यू, ये क्या करना हमें सिद्ध करना बेटा, ठीक है। इतना सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है बाबू। तो हम त्रिभुज अगर ले लें किसमें, डी ए सी में, क्या ले लें बेटा, त्रिभुज डी ए सी में, तो यहां से और समांतर चतुर्भुज अगर कर दें तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज अगर हम इसको सिद्ध कर दें, ध्यान देना बेटा, अगर इसको हम किसको
पी क्यू आर एस, ये क्या है पी क्यू आर एस को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देते हैं बेटा, तो इसके विकर्ण क्या होते हैं देखो, यह इसका विकर्ण है, यह इसका विकर्ण है, इसके विकर्ण क्या करते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो बेटा त्रिभुज ले लो डी ए सी में, तो क्या करोगे त्रिभुज डी ए सी में। अब बाबू इसमें देखो डी ए सी में यस और आर किसके एडी या डी ए और डी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है बेटा। तो क्या होगा बिंदु यस व आर रेखा डी ए व किसके बेटा डी सी के मध्य बिंदु है। तो क्या होगा बेटा यह जो यस आर होगा समांतर होगा ए सी के, ठीक है यस आर समांतर हो जाएगा ए सी और यस आर बराबर होगा एक बटे दो ए सी, इसको समीकरण नंबर एक। कैसे बेटा मध्य बिंदु के प्रमेय से लिख दोगे, इतना हो जाएगा, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बाबू त्रिभुज ले लो कौन सा ए बी सी में, ठीक है त्रिभुज ए बी सी में, इसमें क्या है पी क्यू ए बी और बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा बिंदु पी व क्यू रेखा कौन सा बेटा ए बी और बी सी, ए बी व बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो मध्य बिंदु है तो क्या होगा, हो जाएगा पी क्यू समांतर ए सी होगा बेटा, पी क्यू समांतर होगा ए सी और पी क्यू बराबर एक बटे दो ए सी होगा, इसको मान लेना समीकरण नंबर दो। कैसे लिख देना मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है। अब बाबू समीकरण एक और दो को अगर हम ले लें, क्या ले लें समीकरण एक और दो को, तो देखना समीकरण एक व दो से एसी जो पी क्यू के समांतर है बेटा, एसी एस आर के समांतर है, तो जो एस आर होगा वह समांतर हो जाएगा पी क्यू के, और देखना एक बटे दो ए सी पी क्यू के बराबर है, एक बटे दो ए सी एस आर के बराबर है, तो बेटा क्या हो जाएगा एस आर बराबर पी क्यू हो जाएगा, इसको मान लेना समीकरण नंबर तीन, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं है। अब त्रिभुज ले ले बेटा डी बी सी में, देखना त्रिभुज डी बी सी में क्या होगा, इसमें आर और क्यू क्या है बेटा इन दोनों का मध्य बिंदु है, तो बिंदु बिंदु आर व क्यू रेखा आर किसका बेटा डी सी, रेखा डी सी व क्यू किसका बी सी का मध्य बिंदु है। तो क्या होगा बेटा आर क्यू जो होगा या क्यू आर जो होगा समांतर हो जाएगा बी डी, यह क्या होगा इसके समांतर होगा, और क्या होगा आर क्यू बराबर एक बटे दो बी डी, इसको मान लेना बेटा समीकरण नंबर चार, ठीक है। कैसे लिख देना मध्य बिंदु प्रमेय से, बार बार हम लिख रहे हैं, ठीक है बाबू। त्रिभुज कौन सा बच रहा ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी में क्या होगा यस और पी इसका मध्य बिंदु है, तो क्या होगा यस व पी, यस व पी किसका है बेटा रेखा ए डी व ए बी का क्या है बेटा मध्य बिंदु है, तो यस पी जो होगा यस पी समांतर होगा बी डी के, और यस पी जो होगा बराबर होगा एक बटे दो बी डी के, इसको मान लिया समीकरण नंबर पांच, ठीक है बेटा। तो समीकरण चार व पांच से देखना बी डी बी डी दोनों में बी डी है, तो आर क्यू क्या होगा समांतर होगा बी डी है एस पी के, ठीक है, और एक बटे दो बी डी एस पी के बराबर है, एक बटे दो बी डी आर क्यू के बराबर है, तो क्या होगा
आर क्यू बराबर हो जाएगा यस पी, समीकरण नंबर 6। ठीक है बेटा, अब समीकरण कौन सा 3 वह कौन सा बेटा 6 से देखना, यस पी यस आर पी क्यू के समांतर है और क्या है बेटा पी आर एस पी के समांतर है और उसके सम्मुख भुजा बराबर है से क्या होगा चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक क्या होगा समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है बेटा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम अब क्या होगा बेटा, अतः अतः ओपी ओपी बराबर होगा ओ आर और ओ एस बराबर होगा ओ क्यू, क्यों क्यों समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। हो गया बेटा ये इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, लगाएंगे 7वां क्वेश्चन, देखेंगे 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसको भी लगाएंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर 7वां क्वेश्चन लगाएंगे। हाँ तब मिटाए इसको, चलो आ जाओ मेरे लाल 7वें क्वेश्चन पे, देखते हैं 7वां और उसको भी लगाते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। ठीक है, एबीसी क्या है बेटा, एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। तो मान लिया यह एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, ए यहां पे बेटा समकोण वाले सी यहां पे बी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर, कर्ण ए बी के मध्य बिंदु बेटा, कर्ण ए बी है इसका मध्य बिंदु क्या है यम है। ठीक है, यम से होकर बीसी के समांतर खींची गई रेखा, बीसी के बेटा इस बीसी के समांतर खींची गई रेखा, यम से बीसी के समांतर यही होगा खींची गई रेखा, क्या कह रहा है बेटा, एसी को डी पर प्रच्छेद करती है, एसी को डी पर यह बेटा बिंदु डी हो जाएगा पे प्रच्छेद करती है। हो गया, दर्शाइए कि सिद्ध क्या करना है बाबू, दिया क्या है, जो दिया है बाबू वो लिख लेना, कोण सी बराबर 90 अंश दिया समकोण, और बोला है बाबू कि यह इसके समांतर है, समांतर नहीं लग रहा है ना, ऐसे मान लेना समांतर है। ठीक है बेटा, क्या बोला है कि सी बी समांतर डी एम, सी बी समांतर डी एम बोला है बाबू, और सिद्ध करना बेटा, जो सिद्ध करना हो लिख लो, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना, ध्यान से देखना, सिद्ध करना डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा, दूसरा कह रहा यम डी लंब एसी, यम डी लंब एसी। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा, तीसरा सीएम बराबर, सीएम बराबर यम ए, सीएम बराबर यम ए बराबर एक बटे दो ए बी, एक बटे दो ए बी। एक चीज आपको बता दे बाबू, यम ए बी का मध्य बिंदु है तो क्या होगा, ए एम जो होगा यम बी के बराबर होगा, या देखना यहां पे और लिख लो बेटा, क्या होगा यम ए जो होगा बराबर होगा यम बी के, क्यों, क्योंकि यम इसका मध्य बिंदु, यम ए और यम बी दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। और इसमें एक काम और कर लेना बेटा कि सीएम को मिला देना। ठीक है, ये तो बोला नहीं, लिख देना बेटा रचना से, क्या सी ऐसे लिखना, बिंदु सी को यम से मिलाया। ठीक है बेटा, अब आ जाओ यहां से सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा बाबू। बोला है देखना कि सी बी समांतर डी एम दिया बेटा, सी बी समांतर डी एम, और क्या दिया बाबू, यम ए बराबर यम बी, मतलब यम क्या है ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है,
यम ए बराबर यम बी। अतः क्या होगा बेटा, एडी जो होगा एडी बराबर होगा डीसी। कैसे? मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। अब जब हो गया बाबू, अतः क्या होगा या इसलिए, अतः दो बार लग जा रहा है, इसलिए क्या होगा, डी भुजा एसी का मध्य बिंदु होगा। बात खत्म, आ जाओ आगे बाबू। अब एक चीज देखना, क्या कहा है, यह 90 अंश है, ठीक है, और यह इसके समांतर है, ठीक है बाबू। तो क्या होगा, कोण ए सी बी बराबर समकोण। तो कोण ए डी बी जो होगा बेटा बराबर होगा कोण ए सी बी के, ए डी एम बराबर होगा ए सी बी के। कैसे बेटा, संगत कोण से, ठीक है। क्या लिखेंगे, संगत कोण। तो कोण ए डी एम बराबर हो गया 90 अंश। अतः लिख देना बेटा, अतः एम डी लंब ए सी। बात खत्म, दूसरा भी हो गया, एम डी लंब ए सी, यह भी प्रूफ हो गया और यह भी हो गया। अब बाबू सी एम बराबर एम ए, देखना सी एम, अच्छा सी सी एम बोला था बेटा, तो हमें मिलाना पड़ेगा, रचना करना है। क्या होगा, सी एम बराबर एम ए, ठीक है, बराबर 1/2 ए बी। तो एम ए जो होगा बेटा, देखना ध्यान से, हम यहां पे ए बी को लिख सकते, देखो जो एम ए होगा बराबर होगा एम बी के, और ए बी बराबर हम लिख सकते हैं बेटा, ए बी बराबर ए एम ए प्लस एम बी लिख सकते हैं बेटा। तो एम बी बराबर है एम ए के, ए बी बराबर हम लिख सकते हैं एम ए प्लस एम ए लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर 2 एम ए लिख सकते हैं ना, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिख सकते हैं बेटा। तो यह हम लिख सकते हैं 2 एम ए है, 2 एम ए बराबर ए बी, या एम ए बराबर 1/2 ए बी, ये तो लिख सकते हैं बेटा, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। अब देखना यहां पे त्रिभुज ए डी एम और ए डी एम होगा बेटा, और कौन सा होगा, सी डी एम। हम दो त्रिभुज ले लें बेटा, ए डी एम ले लें और क्या ले लेते हैं, सी डी एम ले लेते हैं, और यहां से सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। तो यहां से सी एम लाना है बेटा, तो ठीक है, तो त्रिभुज बेटा ए डी एम लिखें या ए एम डी लिखें बेटा, ए एम डी बराबर त्रिभुज नहीं वह त्रिभुज सी एम डी में, ठीक है। यहां पे बाबू क्या देखोगे, यहां पे ए डी जो होगा सी डी के बराबर होगा, ए डी बराबर सी डी, क्यों, सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, लिख लेना डायरेक्ट, क्या लिखोगे, सिद्ध कर चुके हैं। क्या सिद्ध कर चुके हैं बेटा, यह मध्य बिंदु है, ए डी बराबर सी डी या डी सी, कुछ भी लिखो, ठीक है। और बाबू यहां पे यह कोण देखना, यह कोण 90, यह कोण 90, कोण ए डी एम, कोण ए डी एम बराबर होगा कोण सी डी एम, सी डी एम, क्यों बेटा, दोनों समकोण है। अब बाबू दोनों में डीएम है, तो डीएम भाई जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो क्या दिक्कत है आप लोगों को, क्यों, इसमें भी है इसमें भी है, क्यों बेटा, वह निष्ठ है, कॉमन है, ठीक है मेरे लाल, साइड यंगल साइड। देखोगे बाबू यह त्रिभुज ए एम डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी एम डी के, साइड एंगल साइड से, इतना आप लोगों को समझ में आ गया बेटा। अब यहां से देखोगे ए एम जो होगा, ए एम बराबर होगा बेटा किसके, सी एम के, ए एम पहला दूसरा बराबर सी एम, कैसे बेटा, सी पी सी टी से, क्रॉस बॉन्डिंग ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल, ठीक है बेटा। तो ए एम बराबर आ गया बेटा सी एम के, और वी नो दैट ए एम इजकल टू या एम ए इजकल टू एम बाई टू ए बी लिख सकते हैं बेटा। अतः ए एम लिखो बेटा, यहां पे एम ए लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर एम ए बराबर क्या होगा बेटा, हो गया, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, या डायरेक्ट यहीं पे मान लो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है,
इसको मान लिया समीकरण नंबर एक, यही चीज यहां पे रिपीट कर देना, ठीक है बाबू। चूंकि यम ए बराबर यम बी, ए बी बराबर यम ए प्लस यम बी, यही चीज लिख देना, ठीक है बेटा। तो लिखोगे तो ए बी बराबर यम ए प्लस यम ए हो जाएगा बेटा, तो ए बी बराबर दो यम ए, या यम ए बराबर क्या होगा एक बटे दो ए बी, इसको मानना समीकरण नंबर दो। अभी आप लोगों को यहां पे बताए हैं इसलिए ज्यादा हम यहां पे डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण एक और दो से अगर देखें बाबू, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक व दो से क्या होगा, सीएम बराबर ए एम या एम ए, सी एम बराबर एम ए, और एम ए किसके बराबर बाय टू ए बी के, ए हमको सिद्ध करना था। आ गया मेरे जिगर के छल्लो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जितना हो सके उतना शेयर भी करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।